Hello friends, welcome to my channel. My channel name is Twins with their mummy. मेरा नाम है नेहा. आज है संडे, जैसे कि मैं छुट्टी के दिन ही व्लॉगिंग करती हूँ. नॉर्मल डे में मुझे टाइम इतना नहीं मिलता है, क्योंकि कैमरा अरेंज करना और घर का सब काम करना डेली पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए. और आज है संडे. हैप्पी संडे टू एवरीवन. एंजॉय योर संडे टुडे. आज है संडे तो मुझे जाना था बाहर, तो मुझे काम कम निकला था. मुझे जाना था संडे मार्केट में, और वो सिर्फ संडे मॉर्निंग में ही लगती है मार्केट. फिर आफ्टरनून के बाद वो उठ जाते हैं सब लोग. मुझे लेना था लोहे का ढोसे का तवा लेना था. मेरे पास नॉनस्टिक का था है, लेकिन वो बिगड़ गया है थोड़ा, उसका कोटिंग निकलने लगा है. तो अभी मैं वो यूज़ नहीं करना चाहती, और दूसरे पैसे मैं नॉनस्टिक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती. तो मैं सोच रही हूँ कि लूँ तो अभी एक बार लोहे का ही ले लूँ. तो वो संडे को एक वहाँ पे बैठता है, तो वो सब लोहे की चीज़ ही बेचता है. तो मैं सोच रही थी कि मैं वहीं से ले लूँ, बट आज वो मुझे नहीं मिला. और दूसरी चीज़ मुझे लेनी थी साइकिल में, साइकिल के टायर में हवा भरने का जो एयर पंप आता है वो लेना था. तो वो तो मुझे मिल गया, क्योंकि वो खुटांश और खुटी क्या करते हैं, साइकिल की एयर बार बार निकाल देते हैं. तो फिर हम लोग को लेके जाना साइकिल और एयर भरवाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था. तो फिर क्या क्या कि हम लोग ने एयर पंप ही ले लिया, तो काफ़ी वो भी रिजनेबल रेट में मिल गया. दो चीज़ लेनी थी, एक चीज़ मिल गई और एक चीज़ नहीं मिली. तो उसके लिए फिर कभी संडे जब टाइम मिलेगा तभी जाएंगे. एक्चुअली आज बारिश नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज सब मिलेंगे वहाँ पे, जो भी लेना था वो मिल जाएगा. बट वो नहीं बैठा था आज, तो मुझे नहीं मिला दवा. कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे और लेके आएंगे. मुझे थोड़ा काम है, मशीन पे बैठना है, थोड़ा बहुत सिलाई का काम पेंडिंग हो गया है, तो वो कर लेती हूँ. स्टडी आज थोड़ा मैं बाद में करवाऊँगी, पहले वो थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर मैं स्टडी कराऊँगी. क्योंकि वो मॉर्निंग में नीचे खेल के आए हैं, वैसे तो नीचे गए थे उनके फ्रेंड्स के साथ खेल के आए हैं. तो थोड़ा इवनिंग में मैं स्टडी करूँगी, अभी थोड़ा मुझे काम है तो वो मैं कर लेती हूँ. राकेश यहाँ पे साइकिल के टायर में हवा भर रहे हैं. Okay.
कृतांश और कृतिक को रोस्टेड कॉर्न बहुत ही पसंद है, तो आज मैं उनके लिए रोस्टेड कॉर्न बना रही हूँ। अभी मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गई है तो मार्केट में बहुत सारे कॉर्न आते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं, अभी मीठे भी दाने निकलते हैं, सीजन है तो कृतांश और कृतिक रेगुलर खाते हैं। कृतांश एंड कृतिक ने कॉर्न चाट बनाया हुआ है तो उसका वीडियो भी अपलोड है, तो प्लीज़ उसे आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है कॉर्न चाट, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बारिश बरस रही हो और गरम गरम भुट्टा जो खाने को मिल जाए तो वाह क्या बात है। अब मैं रोस्टेड कॉर्न पे लेमन सॉल्ट और थोड़ी सी ही रेड चिली डाली है मैंने, वो लगा दूंगी। कृतांश कृतिक क्या खा रहे हो? कॉर्न और उसके साथ नींबू। तुम दोनों को पसंद है ना कॉर्न बहुत? अभी जितने कपड़े सूख गए हैं उसे मैं निकाल के फोल्ड कर रही हूँ और जो प्रेस करने के कपड़े हैं उसे मैं अलग रख दूँगी। वैसे बारिश का मौसम है तो जो मोटे ठीक कपड़े थे वो अभी तक सूखे नहीं है तो वो डोरी पे ही हैंग कर रहे हैं। अभी 4 o'clock हो गए और कृतांश कृतिक को मिल्कशेक पीना है तो मैं सोच रही हूँ आज स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक बना दूँ, तो मैं स्ट्रॉबेरी निकाल के उसे डिफ्रोस्ट होने के लिए बाहर रख रही हूँ। ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरी है, इसके ऊपर आइस क्रिस्टल है, वो ख़राब नहीं हुई है, आइस जम गया है ऊपर, तो मुझे जितनी चाहिए उतनी स्ट्रॉबेरी मैं निकाल लूँगी और बाकी की तुरंत है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। मुझे 3 glass ही मिल्कशेक बनाना है तो मैंने मेज़र करके उतना मिल्क निकाल लिया है। अभी मैं थोड़ा जार में डाल रही हूँ और थोड़ा मैं बाकी बाद में डालूँगी। जो स्ट्रॉबेरी थी डिफ्रोस्ट होने के बाद ऐसी हो गई है, अभी स्पून से मैं उसे मैश कर लूँगी। स्ट्रॉबेरी मैश करने के बाद मैं उसे मिल्क में ऐड कर दूँगी। देन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट पाउडर शुगर ऐड करेंगे। मॉनसून की वजह से पाउडर शुगर है वो थोड़ी हार्ड हो गई है तो मुझे निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक में मैं कभी कभी मिक्स फ्रूट जैम भी ऐड करती हूँ, तो मैंने जैम को थोड़ा सा विस्क कर लिया है और उसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी अच्छे से ग्राइंड हो गई है तो इसमें मैं अभी बाकी का जो मिल्क है वो ऐड कर दूंगी। ये होममेड वेनिला आइसक्रीम है, इसे भी मैं ऐड करूंगी अंदर। ढेन अगेन चर्न करेंगे। तो हमारा मिल्कशेक रेडी है, तो अभी मैं उसे ग्लास में सर्व करूंगी। कलर भी बहुत ही अच्छा पिंक कलर आया है, बट कैमरा में इतना कैच नहीं हो रहा है कलर। स्ट्रॉबेरी एंड मिक्स फ्रूट जैम मिल्कशेक इज रेडी टू सिप। तो अभी डिनर के लिए गार्लिक नान की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1.5 कप गेहूँ काटा, 1.5 कप मैदा लिया हुआ है, उसमें मैं थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। देन 1 टीस्पून सोडा ऐड करेंगे। मैंने इतना इतना सोडा 2 टाइम ऐड किया हुआ है अंदर। अब हम अंदर कर्ड ऐड करेंगे। जनरली मैं ये आटा है वो बिना मेजरमेंट के ही बांधती हूँ, तो मुझे अंदाजे से सब डालने की आदत पड़ गई है। इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 वॉटर ऐड करके सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो में हम अब ऑयल डालेंगे और उसे अच्छे से पंच करेंगे और 10 टू 15 मिनट तक इसे मसलेंगे। अच्छे से मसलने के बाद फिर इसे हम एटलीस्ट 1 आवर के लिए ढक के अच्छे से गर्म जगह पे रख देंगे, ताकि अंदर सोडा और जो बेकिंग पाउडर ऐड किया है वो कर्ड के साथ एक्टिवेट हो जाए। मुझे बनानी है मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी, तो ग्रेवी बनाने के लिए पहले मैं फ्राई पैन में ऑयल लूँगी। इसमें मैंने एक इलायची, एक लौंग और एक टुकड़ा दालचीनी का है वो ग्राइंड कर लिया है। ऑयल में कूटा हुआ मसाला ऐड करेंगे। देन ग्रीन चिली, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर ऐड करके उसे सॉटे करेंगे। चिली, गार्लिक और जिंजर फ्राई होने के बाद अंदर ऑनियन ऐड करेंगे। ये मैंने 2 ऑनियन चॉप किए हुए लिए हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि ऑनियन है वो जल्दी से कुक हो जाए। ऑनियन फ्राई होने के बाद हम अंदर 2 चॉप टोमेटोज ऐड करेंगे। टोमेटो कुक होने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। ग्रेवी के लिए जो प्रिपरेशन की थी वो ठंडी हो जाए, फिर हम उसे ग्राइंड कर लेंगे और एक अच्छी सी फाइन पेस्ट बना लेंगे।
ये फ्रोजन मेथी है। इसके ऊपर आपको जो ये वाइट वाइट दिख रहा है वो आइस क्रिस्टल है। मेथी ने जो पानी छोड़ा है उसका आइस बन गया है। ये मेथी मेरे पास ज़्यादा थी तो मैंने उसको वॉश करके सूखा के कट करके फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि मैं उसे वापस अगेन यूज़ करना चाहती थी थोड़े दिन के बाद। फ्राइंग पैन में ऑयल लेंगे, अब हम इसमें मेथी डालेंगे और मेथी को फ्राई करेंगे। मेथी का कच्चापन दूर हो जाए तब तक उसे फ्राई करना है। उसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऑयल में मेथी को फ्राई करना है। मेथी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसी फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया हुआ है, उसमें मैं जीरा ऐड करूंगी। जैसे ही जीरा क्रैकल होता है उसमें हम ग्रेवी ऐड करेंगे और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। और ये स्टील का फ्राई पैन है तो मुझे उसे कंटिन्यूस हिलाना पड़ता है ग्रेवी को, क्योंकि वरना अदरवाइज़ वो नीचे बैठ जाती है सब्ज़ी। टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी में हम मिल्क ऐड करेंगे। एक्चुअली मैंने पहले ही थोड़ा मिल्क ऐड किया, लेकिन तब मेरा कैमरा स्टॉप था, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। इसमें मैंने अराउंड हाफ कप जितना मिल्क ऐड किया हुआ है। कैश्यू पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। आप चाहे तो ग्रेवी में ही ग्राइंड करने में कैश्यू ऐड कर सकते हैं। अब मलाई ऐड करेंगे, ये मैंने घर की मलाई यूज़ की है। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो फ्रेश क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, वो यूज़ कीजिए। और थोड़ी मैं मलाई ऐड करूँगी, मुझे थोड़ी मलाई कम लग रही है। ये मेथी मटर मलाई सब्ज़ी है तो मलाई तो इसमें ज़्यादा ही लगेगी। फ्रोज़न ग्रीन पीस को मैंने बॉईल करके रख दिया था, उसे ऐड करेंगे। और जो कुक की हुई मेथी थी उसे भी ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने जो वेजिटेबल की क्वांटिटी है वो कम रखी हुई है और ग्रेवी ज़्यादा रखी है, क्योंकि हमारे घर में ग्रेवी ज़्यादा खाई जाती है। लीड लगा के सब्जी को तब तक कुक करेंगे जब तक ऑयल है वो रिलीज़ ना हो जाए, और बीच बीच में सब्ज़ी को हिलाना भी है, अदरवाइज़ नहीं हिलाएंगे तो सब्ज़ी है जो नीचे बैठ जाएगी। और देखिए सब्ज़ी का ऑयल है वो रिलीज़ हो गया है, आजू बाजू में ऑयल छूट गया है और मलाई का जो घी रहता है वो भी निकल गया है थोड़ा बहुत। हमारी सब्ज़ी रेडी है, अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी और मैं गार्लिक नान बनाऊँगी अभी। थोड़ा सा मैं डो लूँगी। रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड को भी मैंने ग्रीस किया हुआ है ऑयल से, और छोटे छोटे गार्लिक के मैंने पीस कट किए हुए हैं, उसमें मैं गार्लिक में ऐसे लगाऊंगी आटे को, और साथ में कोरिएंडर लीव्स भी लगाऊंगी, एक ही साइड लगाना है, और फिर उसे ऐसे प्रेस करेंगे। और अभी इसे रोल करेंगे हम। आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हो या ओवल शेप में भी बेल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप उसे शेप दे दीजिए। तवा है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं पानी छिड़क के चेक कर रही हूँ। अब नान को हाथ में लेंगे, उसके ऑपोजिट साइड पे पानी लगाएंगे। पानी अच्छे से लगाना है, साइड्स पे तो काफ़ी अच्छे से लगाना है। अगर पानी आप अच्छे से नहीं लगाओगे तो आपका नान है वो तवे से निकलेगा ही नहीं, बहुत बुरी तरह से चिपक जाएगा। पानी अच्छे से लगाएंगे तो जल्दी निकल जाएगा। सेम प्रोसीजर से मैं दूसरे नान को भी रोल कर लेती हूँ।
और जो तवे पे नान है उसे बबल आने तक एक साइड कुक करेंगे। जैसे ही बबल आएगा हम उसे टर्न करेंगे तवे को। ध्यान रखिए कि रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन को ऑयल से ग्रीस करना है, वरना आप आटे को बेल ही नहीं पाओगे। अभी एक साइड ऊपर से बबल्स दिख रहे हैं। अब तवे को मैं चिमटे से उठाकर पूरा पलट दूंगी। काफ़ी सारे तवे में हैंडल रहता है तो वो काफ़ी इजी रहता है, बट मेरे तवे में हैंडल नहीं है तो मैं चिमटे से ही उठा के उसे पलट देती हूँ। ये काफ़ी रिस्की है बट मुझे भी आदत हो गई है इस तरह से करने की। और प्लीज़ ग्लास स्टोव पे ये बहुत ही ध्यान से करना रहता है। मुझे पता नहीं है कि ग्लास स्टोव पे इस तरह से करते हैं या नहीं कर पाते हैं। मेरा स्टील का गैस है तो मैं इजीली कर पाती हूँ। ये देखिए नान कितने अच्छे से कुक हो गया है। अब होममेड बटर में अप्लाई करूँगी ऊपर। श्रुतिक और कृतांश की मैं प्लेट रेडी कर देती हूँ, उनको खाने के लिए मैं बैठा देती हूँ। अभी सेम प्रोसीजर से मैं दूसरा भी बना लूँगी नान। बेल के उसे ऑपोजिट साइड पे पानी लगाना है, साइड्स पे अच्छे से पानी लगाना है और गरम तवे पे डाल देना है। रोल करने के लिए सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ज़रूरत पड़े तो ऑयल लगाना है लेकिन सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तवे को पलट के आप नान जब कुक करते हो तो ध्यान रखें कि वो अच्छे से हर जगह से कुक हो, ना ही एक जगह पे आप कुक करें तो दूसरी जगह है वो उसकी बाकी रह जाए तो वो अनकुक रह जाए, ऐसा नहीं। नान तवे को है हमें घुमाना है ताकि नान है सभी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए कितनी इजीली निकल गया। पीछे तो देखो, दोनों साइड से अच्छे से कुक हुए नान। अब मैं भी डिनर कर लूंगी। ये मेरी प्लेट है जो रेडी हो गई है। कृतांश कृतिक भी मेरे साथ वापस बैठेंगे। कृतिक है वो सिर्फ ऑनियन खा रहा है क्योंकि उसने पहले खा लिया, और कृतांश मेरे साथ वापस खा रहा है। मैंने कृतिक को भी बोला नान सब्जी खाने के लिए बट बोला उसने नहीं मम्मी अभी मैंने खाना खाया है। हमारे तीनों का खाना हो गया, राकेश का बाकी है। तो राकेश ने कॉल किया कि मैं आधे घंटे में आता हूँ, लेकिन वो उनका एक घंटा हो गया अभी तक आए नहीं। कभी बोलते हैं आधे घंटे में आता हूँ, दो घंटा भी हो जाता है, तीन घंटा भी हो जाता है, लेकिन वो आते नहीं। पता नहीं उनका आधा घंटा कितना बड़ा रहता है। और कृतिक तो यहीं पर अभी सो गया, हम तीनों लेटे थे ऐसे ही, तो कृतिक तो सो गया क्योंकि वो मॉर्निंग में जल्दी उठा था तो वो सो गया। अभी उसको अच्छे से मैं ठीक से सुला दूँगी। तो और ये बदमाश अभी भी सोया नहीं है क्योंकि वो लेट उठा था थोड़ा आज। तो मैंने आज डिनर में बनाया था मेथी मटर मलाई और खुद नान बनाया था गार्लिक नान, एंड आफ्टरनून में मैंने बनाया था स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक में मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी का यूज़ किया था, एंड सब्ज़ी में मैंने फ्रोज़न मटर एंड फ्रोज़न मेथी का यूज़ किया था। तो मैं मेरी डे टू डे लाइफ में फ्रोज़न चीज़ें काफ़ी यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैं लेमन फ्रोज़न लेमन जूस। राकेश आए, 100 साल की उम्र होगी, उनका नाम लिया और आगे। तो मैं बता रही थी कि मेरी मैं डे टू डे लाइफ में फ्रोज़न चीज़ों का काफ़ी यूज़ करती हूँ। मतलब मैं लेमन फ्रोज़न करती हूँ, ग्रीन पीस फ्रोज़न करती हूँ, कभी कॉर्न ज़्यादा सीज़न रहती है कभी कॉर्न ज़्यादा डाल देती हूँ तो उसे भी फ्रोज़न कर देती हूँ। फिर जैसे कि मेथी मैं फ्रोज़न नहीं करती हूँ ऐसे, बट लास्ट टाइम मैं लाई थी बड़ा बंच था तो थोड़ा थेपला में यूज़ किया एंड बाकी बचा था तो उसको मैंने वॉश करके फिर अच्छे से ड्राई किया। फिर ड्राई करने के बाद कट करके
फिर उसको फ्रीज़र में स्टोर किया। मतलब मुझे जब भी यूज़ करना है तो उसे डायरेक्ट मैं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे वॉश नहीं करना है, कट नहीं करना है। और मैं मैंगो भी फ्रोज़न कर देती हूँ तो वो भी मुझे काफ़ी हैंडी रहता है। और मैं चटनियाँ भी फ्रोज़न करके रखती हूँ, जैसे कि ग्रीन चटनी है, फिर मीठी चटनी है। मीठी चटनी कुत्ती का कुत्तांश बहुत खाते हैं, जैसे कि चाट बनाया, समोसा बनाया या और कुछ चीज़ें बनाई तो उनको मीठी चटनी पसंद है, तो वो भी मैं 2 या 3 बॉटल बना के रखती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी यूज़फुल रहती है। एंड जैसे कि ये बच्चों ने डिमांड की कि कभी मम्मी मुझे भेल खानी है, सेव पूरी खानी है या समोसा कुछ भी या सैंडविच खानी है, तो वो चटनी इजीली फ्रिज में रहती है रेडी, तो मैं क्विक मैं सब उनको बना के दे देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा मतलब जो भी टाइम जो रहता है ये सब बनाने के लिए चटनी बनाने में ही जाता है, तो वो चीज़ें मेरे फ्रिज में हमेशा रेडी रहती है। फ्रोजन कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में इतना एक्सेप्ट नहीं हुआ है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी नहीं करते हैं। मुझे पसंद है तो मैं यूज़ करती हूँ, और ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। बट मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि मैं डे टू डे लाइफ में फ्रोजन कॉन्सेप्ट जो है मैंने इजीली एक्सेप्ट किया हुआ है। अभी तो स्कूल चालू है तो स्कूल के यहाँ पे मार्केट लगती है तो मैं सारी चीज़ें लेके आती हूँ, लेकिन जब वैकेशन टाइम होता है तो इनको लेके दोनों को मुझे मार्केट जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये फ्रोज़न कॉन्सेप्ट मुझे तभी काम बहुत ही आता है जब फ्रोज़न में सब करती हूँ, तो वो काफ़ी यूज़फुल रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। लेमन कैसे स्टोर करना उसका भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, स्ट्रॉबेरी को कैसे स्टोर करना उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लेमन स्टोर कैसे करना उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। और स्ट्रॉबेरी कैसे स्टोर करना है वो वीडियो ये बच्चों ने बनाया हुआ है, तो उसे भी आप चेक कर लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा है वीडियो। जैसे कि मैंने आज मिल्क शेक बनाया, बहुत ही अच्छा बना था, कोई बोलेगा नहीं कि इसका टेस्ट में फ्रेश स्ट्रॉबेरी और फ्रोजन स्ट्रॉबेरी में से कोई डिफरेंस कुछ भी नहीं बता सकता है, एकदम अच्छा बना था। और एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी बाकी है मेरा, मुझे काफ़ी लोगों ने उस रिगार्डिंग में रिक्वेस्ट की है, तो वो थोड़े दिन में वो भी मैं अपलोड कर लूँगी। बस अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे राकेश के लिए नान बनाने हैं और कृतिक को भी मुझे अच्छे से सुलाना है बिस्तर पे, और ये तो अभी सोएगा नहीं, यहाँ वहाँ घूमेगा, अभी तो ये राजा बन गया, कृतिक सो गया है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।